जय हिंद साथियों। साथियों अगर आप लोग आरपीएफ कॉन्स्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई यानी कि दरोगा में अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक जरूरी सूचना लेकर के आ चुके हैं, वो सूचना क्या है अभी हम आप लोग को दिखलाने वाला है। और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये आ रहा है कि पीईटी और पीएमटी में क्या बदलाव किया गया है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है अभी तक मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर आरपीएफ में जिस तरह से रिटन इम्पॉर्टेंट है क्या उसी तरह से फिजिकल भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि फिजिकल का भी नंबर क्या जुड़ने वाला है इस बार, क्योंकि देखिए रेलवे ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो यहाँ पर फिजिकल को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि सर क्या क्या होता है फिजिकल में, इसमें क्या आप बदलाव किए गए हैं। तो सारे संशोधन अभी हम आप लोग को दिखलाने वाले हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए साथियों सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स भी बतलाते रहते हैं। देखिए ये जो है ये आप लोग का कॉन्स्टेबल के लिए है, और नीचे आप लोग को दिखला दे, नीचे जो है ये आप लोग का यहाँ पर हम जो लेकर के आए हैं डाटा ये आप लोग का एसआई के लिए है। तो क्या कह रहा है ये हम आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले अगर आप लोग रेलवे में आरपीएफ के लिए या फिर रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेकर के आ चुके हैं जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। 6900 प्लस आप लोग को जो है इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। रेलवे सामान्य अध्ययन का स्पेशली ये बुक निकाला गया है और सामान्य अध्ययन से इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। इसमें आप लोग टॉपिक वाइज जो है सारा इसमें निकाला गया, जैसे स्टैटिक जीके हो गया, फिर से यहाँ पर एशियंट हिस्ट्री हो गया, यहाँ पर मेडिएवल हिस्ट्री हो गया, सारा इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आरपीएफ के लिए एक कॉम्बो कॉम्बिनेशन भी निकाला गया है जिसमें आप लोग को रीजनिंग मैथ फिर से अलग से सामान्य अध्ययन सारा इसमें देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक निकाला गया है जो बेस्ट बुक है, आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग आरपीएफ का या फिर रेलवे में किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह सामान्य अध्ययन वाला तो भैया आप लोग के लिए रामबाणी है। देखिए अब यहां पर आप लोग को हम दिखला दें फिजिकल कॉन्स्टेबल की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टेबल में यहां पर क्या क्या होने वाला है सबसे पहले उसको समझिए। देखिए 5 मिनट 45 सेकंड में 160 मीटर आप लोग को दौड़ना होगा, ठीक है। 5 मिनट 45 सेकंड में बॉयज को 1600 मीटर जो है यहाँ पर दौड़ना होगा। यहीं पर बात कर ले अगर फीमेल की तो 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना होगा, ठीक है। यानी कि मेल से सीधे एकदम 50% कम हो जाता है, फीमेल को 800 मीटर मेल को 1600 मीटर दोनों को रनिंग लगानी है। मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड, फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड। लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 एंड फीमेल के लिए 9 फीट। यहीं पर हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट का रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जो भी कैंडिडेट सेशन को वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हाइट वगैरह में कुछ छूट भी दिया गया है कैटेगरी के वाइज। देखिए ओबीसी को यहाँ पर 165 है, एससी एसटी के लिए 160 है, ठीक है। और फीमेल के लिए यहाँ पर देख लिए ना 5 साल का छूट आप लोग का दिया गया है एसटी एसटी के लिए, फीमेल का 157 152, ठीक है। ये जो है आप लोग का इधर एक साइड चेस्ट लिखा गया है इतना नॉर्मल होना चाहिए बॉयज के लिए, और यहाँ पर जो है फुला करके एक्सपेंडेड करके आप लोग का इतना होना चाहिए। ये हो गया आप लोग का फुल इन्फॉर्मेशन। फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप लोग को बतला दे यहाँ पर देखिए इसको जब आप पढ़िएगा रेलवे लॉन्ग जंप एंड हाई जंप द कैंडिडेट विल बी गिवेन अप टू 2 चांसेस ईच। हर एक कैंडिडेट्स को 2 बार चांस दिया जाएगा लॉन्ग जंप के लिए और हाई जंप के लिए, मगर 1600 मीटर या फिर 800 मीटर रनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा। यानी कि रनिंग के लिए सिर्फ एक चांस मिलेगा, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 2 चांस आप लोगों को मिलने वाले हैं साथियों। 2 में से अगर आप लोग को एक बार भी नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। और सबसे बड़ा चीज यहां पर बतला दे, देखिए पीईटी और पीएमटी में बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज रहते हैं ना। तो देखिए पीईटी में आप लोग का सिर्फ और सिर्फ रनिंग आता है, उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप, और पीएमटी में आप लोग का यहाँ पर हाइट का मेजरमेंट आता है, चेस्ट का मेजरमेंट आता है। यही है आप लोग का दोनों में फर्क, पीईटी एंड पीएमटी। और बतला दे साथियों यहाँ पर देखिए पीईटी एंड पीएमटी इज क्वालिफाइंग नेचर इन, देखिए नो मार्क्स आर टू बी अवार्डेड। आप लोग को यहाँ पर नंबर नहीं जुड़ने वाला है फिजिकल का, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल का नंबर नहीं जुड़ेगा, इसको ध्यान रखिए। तो इतना याद रखिए भैया, अगर आप लोग रिटेन निकाल लिए तो रिटेन पर ही आप लोग का मेरिट बनने वाला है दोस्त, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग का फिजिकल के लिए 0 नंबर, 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा, 0 नंबर मिलने वाला है फिजिकल के लिए आप लोगों को। तो फिजिकल सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एसआई के लिए, एसआई का यहाँ पर क्या क्या होने वाला है इसको समझिए। एसआई वाले कैंडिडेट्स
देखिए एसआई के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड रनिंग का थी सॉरी 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा 1600 मीटर रनिंग के लिए। यही बात कर ले फीमेल के लिए तो 4 मिनट का टाइम मिलेगा 800 मीटर का रनिंग करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग जंप 12 फीट मेल और 9 फीट जो है फीमेल, हाई जंप 3 फीट 9 इंच मेल और 9 फीट जो 3 फीट जो है ये आप लोग का फीमेल। यहीं पर अगर बात कर ले हम लोग पीएमटी की तो पीएमटी में भी आप लोग का देखिए मेल के लिए 165 मांग रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लोग यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जा रहा है, यानी कि एससी एसटी का 160 सेंटीमीटर जो है हाइट मांगेगा मेल के लिए। फीमेल के लिए भी यहाँ पर एससी एसटी को 5 सेंटीमीटर का छूट है, 157-152 है। ठीक है, यहीं पर बात कर ले अगर चेस्ट मेजरमेंट की तो सिर्फ मेल का है, इतना आप लोग का नॉर्मल होना चाहिए, 80 होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 76.2। यहीं पर बात कर ले एक्सपेंडेड करके यानी कि फुला करके 85 होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 81.2। ठीक है, यहाँ पर एससी एसटी को दोनों में छूट दिया जा रहा है। और यहीं पर अगर बात कर ले तो देखिए 1600 मीटर रनिंग के लिए एक चांस दरोगा में भी मिलेगा, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप के लिए साथियों सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 2 चांस दिया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। तो 2 चांस यहाँ पर दरोगा में भी आप लोग का एसआई में भी मिलने वाला है। इसमें भी आप लोग का देखिए 7वां नंबर पॉइंट में पीटी एंड पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, नो मार्क्स आर अवार्डेड टू बी, देखिए नो मार्क्स आर टू बी अवार्डेड, यहाँ पर एक भी नंबर भैया नहीं मिलेगा आप लोगों को फिजिकल के लिए। तो सिर्फ जो भी जान है हमारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ रिटेन में है, तो रिटेन का प्रिपरेशन करिए, अपने रिटेन को जो है जितना अच्छा नंबर ला सकते हो उतना अच्छा नंबर लाइए, आप लोगों के जॉब ज़्यादा होने के चांसेस रिटेन में ही है, रिटेन में अच्छा नंबर लाइएगा, फिजिकल में सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई हो जाना है, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों ये जो इन्फॉर्मेशन था सोचिए आप लोग को बता दें, बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा मैसेज आ रहा था। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए उनसे आग्रह करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे हम आप लोगों को पल पल के अपडेट्स बतलाते रहते हैं, उसके साथ साथ हम आप लोगों को डेली रेलवे का फिजिकल प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं, जो कि रेलवे में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है सभी का प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं, जिसका हम प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाकर के एक भी क्लासेस को वॉच करिए, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा मित्र हमारे, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिएगा, आप लोग से निवेदन है हमारे भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जय हिंद जय भारत।